हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में क्लास 10 के लिए इंग्लिश का लेटर राइटिंग का वीडियो लाया हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि लेटर राइटिंग दो तरह से लिखा जाता है, यानी कि एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जो एक अधिकारी के पास लिखा जाता है, वे फॉर्मल लेटर होते हैं। और इनफॉर्मल लेटर वे लेटर होते हैं जो अपनों के पास लिखा जाता है, जो अपने रिलेशन में लिखा जाता है, जैसे मदर के पास, ब्रदर के पास, फादर के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अंकल आंटी के पास। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी इनफॉर्मल लेटर होते हैं। आइए इस क्वेश्चन की मदद से और डिटेल में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर। एल्डर मतलब क्या होता है? बड़े भाई के पास, है ना? बड़े भाई के पास एक लेटर लिखना है जिसमें योर प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी अपनी तैयारी को बताना है कि तुम्हारा तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम के लिए कैसा चल रहा है, तो इसके बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लेटर राइटिंग को शुरुआत करते समय बायां साइड की ओर एड्रेस लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है जोरी चतरा, पिन कोड डाल सकते हैं 82503, है ना? डेट डाल सकते हैं, जिस दिन आप एग्जाम लिख रहे होंगे उस दिन का डेट डालेंगे और डियर ब्रदर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डियर ब्रदर, टुडे आई रिसीव्ड योर लेटर, देन आई बिकम वेरी ग्लैड। मैं तुम्हारा आज पत्र पाया और पत्र पा करके मैं बहुत खुश हुआ। ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश होना, ठीक है? यू आर एनेक्सियस अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप जो हैं मेरे प्रिपरेशन को लेकर या मेरे एग्जाम को लेकर आप चिंतित हैं कि मेरा प्रिपरेशन जो है एग्जाम के लिए कैसा चल रहा है। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी करना, ठीक है? तो तैयारी मेरा जो है एग्जाम के लिए कैसा चल रहा है, इसके लिए आप चिंतित हैं। तो डोंट वरी, आप चिंता मत करें मेरे एग्जाम के लिए, मेरा तैयारी के लिए, ठीक है? इसके बारे में तुम्हें कहना है। आई हैव ऑलवेज बीन फॉलोइंग योर एडवाइस। मैंने तुम्हारा हमेशा तुम्हारा एडवाइस को फॉलो किया हूँ, एडवाइस को अनुसरण किया हूँ। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह होता है, ठीक है? तो तुम्हारा सलाह जो भी मिला है उसको मैं फॉलो किया हूँ, जैसे जैसे आपने बोला है तैयारी को लेकर वैसे वैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर लिया हूँ एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए। माई टीचर्स आर हेल्पिंग मी व्हेन आई नीड। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मेरा टीचर जो है वो हमेशा मदद करते हैं, ठीक है? दिस डे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश। आजकल मैं इंग्लिश का तैयारी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो ही सब्जेक्ट अब मुझे बचा है तैयारी को लेकर, ठीक है? तो मेरा तैयारी जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का भरपूर चल रहा है, ठीक है? माई प्रिपरेशन विल कम्प्लीट टिल एग्जाम डेट। मतलब एग्जाम डेट से पहले पहले तक क्या हो जाएगा? मेरा प्रिपरेशन जो है, मेरा तैयारी जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। आई बिलीव ऑन माई प्रिपरेशन दैट आई विल क्रैक दिस एग्जाम विद द बेस्ट रिजल्ट। मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, मुझे अपनी मेहनत पे पूर्ण भरोसा है कि मैं इस एग्जाम को अच्छे परिणाम के साथ क्रैक करूंगा। क्रैक मतलब पास होऊंगा, ठीक है? पास आउट होना, ठीक है? नाउ आई नीड योर ब्लेसिंग फॉर माई बेस्ट रिजल्ट। अभी मुझे आपका आशीर्वाद की जरूरत है जिससे कि मैं बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त कर सकूं। लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे योर लविंग ब्रदर रोहित अपना नाम लिखेंगे, SS 10+2 हाई स्कूल जोरी, यानी कि ये जगह है। एड्रेस वगैरह पूरा लिख देंगे अपने बारे में लेफ्ट साइड में, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।